जन्मे
2017 से और बड़े सारे चैलेंजेस आए हमारी टीम के सामने और बड़े सक्सेसफुली हमारी टीम ने एएनजी ने एज ए टीम एज ए फैमिली उन सबको फेस किया है सक्सेसफुली अचीव किया है आप लोगों की मदद से 2018 का साल भी हम लोग सिर उठा के फेस करेंगे कैसे करेंगे सिर उठा के आंख से आंख मिला के और हम लोग मार्केट में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं आप सब लोगों को मालूम है एएनजी अपनी एक अलग पहचान रखती है एएनजी एज ए टीम एज ए कंपनी किसी को फॉलो नहीं करती एएनजी को लोग फॉलो करते हैं हम अपने फुटप्रिंट्स बनाते हैं और लोग हमारे फुटप्रिंट्स पे चलते हैं हम किसी के बनाए हुए फुटप्रिंट्स पे नहीं चलते वी वर्क विद ओरिजिनल आइडियाज वी वर्क विद ऑनेस्टी वी वर्क विद एंथुसिएज्म वी फेस द चैलेंजेस विद डिटर्मिनेशन दैट इज व्हाट टीम एएनजी इज ऑल अबाउट एएनजी एज ए कंपनी विश्वास करती है और शायद आप लोगों को मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा इस मामले में कि आज से 25-30 साल पहले जब इस कंपनी को हम लोगों ने स्टार्ट किया था कंपनी बड़े छोटे लेवल पे थी दो चार लोग का कुछ पुराने तस्वीर लगी हुई है यहाँ पे उस समय से मेरे को एक बात व्यक्तिगत तौर से जिंदगी में बड़ी डिस्टर्ब करती थी कि अगर कोई जन मेरे घर पे काम करने आया है चाहे वो प्लम्बर है चाहे बिजली वाला है चाहे मोटर ठीक करने आया है पैसा लेके चला गया और फिर भी चीज ठीक से काम नहीं कर रही सही से काम नहीं कर रही या उसके जाते ही खराब हो गया उसके बाद जब दोबारा बुला रहे हैं उस आदमी को तो आने में वो कर रहा है टाल मटोल कर रहा है या समय में बता के आ नहीं रहा तो आई टुक ए प्रॉमिस विद माई सेल्फ कि एएनजी में हम लोग कभी भी सर्विस के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करें हमारा कस्टमर कभी भी सर्विस के लिए हमारे को एक से दो बार नहीं बुलाएगा और मेरे को बड़ी खुशी है आप लोग पता नहीं इंडस्ट्री के जर्नल्स को इंडस्ट्री की मैगजीन्स इंडस्ट्री को ठीक से फॉलो करते हैं कि नहीं करते मैं टर्नओवर के पीछे नहीं भागता हूं कि 500 करोड़ की टर्नओवर कर ले 1000 करोड़ की मुझे इस बात की खुशी है कि आज मेरी कंपनी आज एएनजी हम सबकी कंपनी और सबकी कंपनी सर्विस के ऊपर जब इसकी बात आती है कि आफ्टर सेल सर्विस तो एएनजी इज रैंक नंबर वन कोई कंपनी पूरी सीसीटीवी सर्विलेंस इंडस्ट्री में एएनजी को सर्विस में बीट नहीं कर सकता और दूसरी चीज क्वालिटी में वी हैव नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी We have tried, हालांकि मार्केट बड़ी कॉम्पिटिटिव है मार्केट में प्राइस कॉन्शियस मार्केट है हमारी इंडिया की और कस्टमर उतने पैसे देके राजी नहीं है कॉर्पोरेट क्लाइंट है चाहता है 100 रुपए में 200 रुपए वाली चीज आप दे जाओ जो कि पॉसिबल नहीं है ऑफकोर्स हम लोग बिजनेस कर रहे हैं हम लोगों ने भी अपनी अपनी तनख्वाही निकाल ली है सैलरीज निकाल ली है खर्चे निकाल लिए तो कैसे करें मगर हम लोगों ने कभी भी गवर्नमेंट टेंडर्स में भी और दूसरी जगह पे भी अपनी बेसिक क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया तो कोर वैल्यू ऑफ द कंपनी इज सर्विस एंड क्वालिटी मैं आप लोगों को ये थोड़ा सा ब्रीफ न्यू ईयर ईव पे हालांकि हंसने खाने की खेलने की ये वो है शाम है पर एक इंसाइट में देना चाहता हूँ यही मौके होते हैं जब हम आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट भी कर लेते हैं और बातचीत भी कर लेते हैं तो क्या क्या सोच लेके हम लोग चल रहे हैं वो बताने का भी थोड़ा सा रहता है आपको आपके परिवार को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो आप लोग खुश रहे और इसी तरीके से हम लोग मिलजुल के आपस में काम करते रहे और नए चैलेंजेस को फेस करते रहे ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सब लोग खुश रहे नए लोगों को आज सम्मानित किया जाएगा इसके बाद ही कुछ लोगों को सम्मानित किया जाएगा हर साल की तरह मैं हर साल ये बात बोलता हूँ इस बार भी बोल रहा हूँ देखो
परिवार अगर किसी अपने जन को मिलता है तो खुश होना चाहिए। स्वाभाविक तौर पे मेरे दोस्त को, मेरे पड़ोसी को, मेरे मित्र को मिलता है तो खुश होना चाहिए और इंस्पायरेशन लेनी चाहिए कि अगर इसको मिला है तो मुझे भी ऐसा काम करना है। हो सकता है इस बार मेरा काम नोटिस ना हो तो अगली बार मैं और अच्छे से करूं ताकि मेरा काम नोटिस हो और मैं भी उस लेवल पे पहुंचूं। ठीक है, तो इस स्प्रेड कैसा है आप समझ में आई मेरी? ठीक है, तो नाराज होकर नहीं जाना है प्लीज। इसको मिल गया, मुझे नहीं मिला, मेरे को नहीं किया, ऐसा मन में भाव नहीं लाना। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर किसी को मिल गया तो दूसरे को रिकॉग्नाइजेशन नहीं किया जा रहा, पर कुछ ही लोगों को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है और बाकी लोगों की भी रिकॉग्नाइजेशन, बाकी लोगों का भी योगदान उतना ही महत्वपूर्ण। सो डोंट टेक इट लाइक दिस, राइट? लेट्स टेक इट एज अ स्पोर्ट्समैन, राइट? गोल हॉकी की टीम कहते तो एक ही गोल मारेगा ना, दो मारेंगे, अब कभी 11:30 को मरवाना है तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। उनकी क्या सोच है आप समझ सकते हो इंडस्ट्री में।